वह शुरू हो चुका है मोबाइल मार्केट में। एक दिग में है रियलमी और एक दिग में शाओमी। तो आज के दिन में अगर देखोगे ये दो कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा वार होने देखने को मिलता है किसी भी कंडीशन में। और इसका और एक एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। एक दिग में रहेगा रियलमी का रियलमी 5 एंड रियलमी 5 प्रो और एक दिग में रहेगा शाओमी का मी A3। तो आज के दिन में अगर देखोगे ये दो कंपनी के अंदर काफी टक्कर होता है किसी भी चीज में। तो आज आपको ये वीडियो में बोलूंगा ये वार के बारे में और किसको क्या फायदा है, क्या क्या देखने को मिलता है आपको इसके बारे में। तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिए तो सब कुछ जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो का मेन टॉपिक में जाने का पहले टेक सेवन चैनल से मैं सम्राट आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो का लास्ट तक हमारे साथ ही रहेंगे। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में प्लीज एक लाइक दे देना, उसके साथ चैनल में नए होने पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और उसके साथ पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू। और वीडियो रिगार्डिंग कुछ जानना है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। तो अगर आप नोटिस करोगे Xiaomi 2014 साल से जब मार्केट में आया इंडिया में तो उस एक ही मात्र कंपनी था जो हर एक टाइम में ऑनलाइन सेंट्रिक फोन निकालते रहा है और आज भी वही कर रहा है। बट एक चीज आप नोटिसेबल चीज देखोगे Xiaomi का जो कॉम्पिटिटर है वो 2017-18 साल तक किसी तरह नहीं था, बट उसके बाद से एक से बढ़कर एक आपको कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहा है Xiaomi का। जैसा अगर आप देखोगे Xiaomi का आज के दिन में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है Realme, Asus, Oppo, Vivo एंड Samsung। ये सब कंपनी के साथ Xiaomi का कॉम्पीट करना पड़ रहा है हर एक कंपनी के साथ। तो इस कंडीशन में जाकर Xiaomi का क्या हो गया, किसी भी चीज निकालने का पहले बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। और उसका एग्जाम्पल अगर देखोगे Mi A2 जब लॉन्च हुआ था उस टाइम में Xiaomi को उतना बड़ा कुछ कॉम्पिटिटर नहीं था, बट उस कंडीशन आज कंप्लीट चेंज हो चुका है। आज के दिन में अगर देखोगे Xiaomi अगर कुछ चीज लॉन्च करना चाहता है तो उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि उसका अगर किसी तरह कुछ कमियां रह जाएगा तो उसका कंप्लीट जो वीक पॉइंट है उसको ले लेगा रियलमी। और उससे क्या हो रहा है, रियलमी का फायदा हो रहा है। और आपको इसका एग्जाम्पल कितना सारा देखने को मिलेगा, रियलमी का 2 प्रो है, रियलमी का 3 प्रो है, रियलमी का 3 है एंड रिसेंटली लॉन्च करने जा रहे हैं रियलमी 5 एंड 5 प्रो और उसके साथ Xiaomi लॉन्च कर रहे हैं A3। तो Mi A2 का अगर देखेंगे Mi A2 जो है वो काफ़ी ओवर प्राइस फोन है स्पेसिफिकेशन वाइज। उस फोन में आपको रियल Xiaomi ने उसका हेडफोन जैक घटा दिया 3.5 mm, उसके साथ आपको उधर आपको माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा नहीं। और सबसे जो वीक पॉइंट है उसका बैटरी 3000 mAh की बैटरी, जो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट था उस फोन का। तो इसके लिए फोन का जो प्राइस है वो तो ओवर प्राइस था ही, उसके लिए फ़ोन उतना सेल भी नहीं हुआ। जो लोग बाय किया उस लोग काफ़ी घबराहट में था, क्योंकि ये फ़ोन क्यों उस लोग ने लिया, क्योंकि इतना खराब एक फ़ोन की परफॉर्मेंस था उस बजट के अंदर 16,000 रुपये के अंदर जब लॉन्च किया। बट आज के दिन में अगर देखोगे कंडीशन अलग हो चुका है। Mi A3 जो है वो अगर यूरोपियन मार्केट को देखोगे Mi A3 यूरोपियन मार्केट में 249 यूरो में लॉन्च हुआ, मतलब 20,000 के अंदर। और अगर उस फोन को अगर देखेंगे Mi CC9 जो है, उस CC9E है, उसको ही तो Mi A3 से रिलॉन्च किया गया इंटरनेशनली। तो उसका स्पेसिफिकेशन वाइज अगर देखा जाए तो उस फोन का प्राइस 4+64 GB का 14,000 रुपये के अंदर रहना चाहिए, बट इसका प्राइस रह गया और भी ज्यादा 6,000 रुपया ज्यादा है यूरोपियन मार्केट में। बट ये गलती अगर इंडियन मार्केट में करेगा तो किसी तरह ये फोन नहीं चलने वाले, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर काफी सारा है। जैसे रियलमी का 5 एंड 5 प्रो, रियलमी 5 में अगर देखेंगे आपको 4 कैमरा तो देखने को मिलेगा, उसके साथ स्नैपड्रैगन 665 जो प्रोसेसर आपको Mi A3 में भी देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा, रियलमी 5 में देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा Mi A3 की तरह रियलमी 5 में। बट इसका प्राइस क्या होगा, 10,000 रुपये की अंदर 3+32 GB का वेरियंट। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे देखा जा रहा है जो Mi A2 का प्राइस अगर 14,000 रुपये के अंदर रहेगा 4+64 GB का, तो एक वैलिड रीज़न रहेगा वो फोन लेने का, अदरवाइज किसी तरह कोई रीज़न नहीं रहेगा वो फोन लेने का, एक ऐसा कंडीशन हो गया। और उसके साथ Xiaomi अगर इसका प्राइस ओवर करता है तो उससे क्या होगा, रियलमी का रियलमी 5 तो ओवर प्राइस जो सेल है वो तो अच्छा होगा। उसके साथ आपको आने वाली मंथ में, मतलब ये अगस्त है सितंबर में Asus का जेन फोन का मैक्स प्रो M3 एंड मैक्स M3 देखने को मिलेगा, जो फोन भी काफ़ी अच्छा होने वाली है जो अभी तक पता चल रहा है। तो वो दो फोन भी आ जाएगा तो उसका कंपटीटर आपको सामने देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सारा कंपटीटर है, उसके साथ ओप्पो रियलमी तो है ही, ओप्पो वीवो तो है ही। तो इस टाइम में जाकर हम लोग को काफ़ी सुविधा हो रहा है। एक टाइम था जब हम लोग के पास किसी तरह चॉइस नहीं था ऑनलाइन सेंट्रिक फोन के लिए, बट आज के दिन में चॉइस होगा। तो इसके लिए क्या होगा, रियलमी Xiaomi को सोचना पड़ेगा जो हर एक फ़ोन लॉन्च करने का पहले क्या प्राइस उसका करना चाहिए। बट अगर आप नोटिस करोगे
इस कंडीशन से सबसे ज़्यादा हम लोग का सबसे ज़्यादा सुविधा होगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे Xiaomi का जो कंडीशन है आज के दिन में सेल काफ़ी गिर रहा है और Realme का सेल काफ़ी आगे जा रहा है। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एक टाइम था जब Xiaomi का किसी फ़ोन लेने के लिए आपको कितना दिन वेट करना पड़ता था फ्लैश सेल के लिए, उसका सबसे छोटा एग्जाम्पल Redmi का Note 4 एंड Note 5 Pro, दोनों फ़ोन का अगर सेल देखेंगे कितना सेल हुआ था। Redmi Note 4 7-8 महीना लगता था, उसका बाद जाकर फ्लैश सेल ऑफ हुआ था, उतना दिन फ्लैश सेल में था। उसके साथ साथ अगर Redmi Note 5 Pro को देखेंगे, वो भी 5-6 महीने तक हमको फ्लैश सेल में देखने को मिलेगा। बट आज के दिन में देखो, किसी भी कंपनी का फ्लैश सेल उतना दिन नहीं जाता है, 1 महीना मैक्सिमम उसके अंदर फ्लैश सेल खत्म, उसके बाद अगर फ्लैश सेल नहीं आता है तो इस तरह का कंडीशन हो चुका है। और रिसेंटली अगर देखोगे Xiaomi का जो कंडीशन है, Xiaomi खुद का ऊपर खुद ही मार दिया एकदम, छोटा भाषा में बोला जाए तो। क्योंकि अगर देखेंगे उसका K20 एंड K20 Pro, K20 का तो प्राइस कंप्लीट ओवर था, K20 का प्राइस आपको 2000 क्या 3000 रुपये ज़्यादा देखने को मिला, उसका एडवांटेज आपको Realme X में देखने को मिलेगा। Realme X जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ऑलमोस्ट K20 की तरह ही है, बट उसमें आपको सिर्फ प्रोसेसर की डाउनग्रेड देखने को मिलेगा और एक कैमरा की लो देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल जो प्राइस के साथ परफॉर्मेंस दे रहा है वो काफ़ी अच्छा दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, Realme X का प्राइस ज़्यादा अच्छा होने पर वो सेल हो रहा है ज़्यादा, तो इस तरह का कंडीशन है। ट्विटर है उसका, उसके साथ हम लोग की है, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन जो है वो निकल जाएगा, तो उससे हम लोग को ही फायदा होगा एक फ़ोन लेने का पहले। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर क्या होगा, वीडियो में प्लीज़ एक लाइक दे देना, तो चैनल में नए होने पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू, और आपको वीडियो लेकर कुछ भी जानना है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, आपको क्या राय है ये सब को लेकर तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, और अगर शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कीजिए आपको फ्रेंड परिवार में, फिर नया वीडियो में लगा हुआ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।